साथ जय भीम, मैं हूँ स्नेहा। बात कर रहे हैं द थिंग पर। आज साल का आखिरी दिन है 31 दिसंबर और कल 1 जनवरी नया साल शुरू होने जा रहा है। ये नया साल जो हम मना रहे हैं, ये खुशियों के साथ साथ एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी रखता है। वो ऐतिहासिक दिन क्या है, ये हमें आगे के वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर। जी हाँ, भारत के एससी एसटी ओबीसी और महिलाओं के आज़ादी के पर्व की बात कर रहे थे। इस देश के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज इनके शिवशाही ने इस देश के एससी एसटी ओबीसी और महिलाओं को मान सम्मान दिया, आज़ादी दी पढ़ने लिखने की, आज़ादी दी राजा बनने की, आज़ादी दी व्यापार व्यवसाय करने की। लेकिन शिवशाही को ख़त्म करके पेशवाई जब इस देश के अंदर आई, महाराष्ट्र के अंदर आई, तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा दिए हुए तमाम हक अधिकार छीन लिए और फिर से मनवादी व्यवस्था को लागू किया, जिसमें इस देश के एससी एसटी ओबीसी और महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, ज्ञान सत्ता धन के अधिकार से वंचित कर दिया था। पेशवाई ने अधिकार नहीं दिया महिलाओं को, पेशवाई ने अधिकार नहीं दिया इस देश के एससी एसटी ओबीसी को, और 1 जनवरी 1818 को पेशवाई का खात्मा होता है। और उसी सिलसिले को लेकर 1 जनवरी को तमाम सारे लोग भीमा कोरेगांव जाते हैं। यह महाराष्ट्र एक्सप्रेस जो गोंदिया से कोल्हापुर जा रही है, ये पूना जाएगी और पूना से लोग भीमा कोरेगांव जाएंगे। पेशवाओं ने अति शूद्र को गांव के बाहर रखा, उनके कमर में झाड़ू लगा दिए, गले में मटका लटका दिया ताकि वो अगर चलते हैं तो उनके पैर के निशान ना पड़े, और अगर वो थूकते हैं तो वो ज़मीन पर ना थूके। और इसी के साथ साथ उनका कोई मान सम्मान नहीं था, उनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं था, उन्हें खाने पीने तक का भी आज़ादी नहीं थी, पढ़ने लिखने की बात बहुत दूर है, बैठने की साथ में सड़कों पर आज़ादी के साथ घूमने की भी कोई आज़ादी नहीं थी। तो ऐसी व्यवस्था पेशवाओं ने बनाई थी, जैसी वर्ण व्यवस्था में बताया गया कि शूद्र अति शूद्रों को किस प्रकार हक अधिकारों से वंचित रखा जाए। आपको बता दें कि पेशवाओं के इस व्यवहार के कारण महाराष्ट्र के अंदर तमाम अति शूद्र समाज, जिसे आज शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उसी के साथ साथ शेड्यूल ट्राइब, उसी के साथ साथ ओबीसी और महिलाएं काफ़ी परेशान थी, काफ़ी समस्याओं में थी। और ऐसे में ये तंग समाज जो है वो पेशवाओं के खिलाफ विद्रोह कर रहा था। ये पेशवाओं को अब इनसे इतनी तकलीफ़ क्यों थी, ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से पेशवा आखिर नफरत क्यों करते थे, क्यों उन्हें गांव के बाहर रखा जाता था, क्यों उनके कमर में झाड़ू बना, क्यों उनके गले में मटका बना? तो इसके पीछे का कारण यह है क्योंकि ये लोग, इन्होंने शिवशाही को स्थापित करने के लिए जान की बाजी लगा दी थी। इनके बाप दादाओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज के राज को स्थापित करने के लिए जान की बाजी लगाई, लड़े, संघर्ष किया, और इसीलिए पेशवाओं को लगा कि शिवशाही को ख़त्म करने के बाद शिवशाही को स्थापित करने वाले लोगों को भी उनका मान सम्मान कुचला जाना चाहिए, उन्हें कोई हक अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो ये उनके लिए पनिशमेंट थी, उनके व्यवस्था के खिलाफ जाने वालों के लिए। पेशवाओं ने व्यापार करने के लिए अंग्रेज़ों को आमंत्रित किया और छत्रपति शिवाजी महाराज का तमाम समुद्री किनारा उन्हें बेच दिया, कहा आप यहाँ पर व्यापार करें, और उसके बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपनी जगह बनाई। इसके पश्चात अंग्रेज़ों को लगा कि यहाँ पेशवाओं का ज़्यादा देर तक राजा बने रहना ठीक नहीं है, क्योंकि वो पेशवा जो है वो कंगाल हो चुके थे और व्यापार में अंग्रेज़ों को जीत नहीं पाए। और ऐसे में अंग्रेज़ों को लगा कि हमने अपना राज स्थापित करना चाहिए, और अगर हम अपना राज स्थापित करते तो हमें पेशवाओं से लड़ना पड़ेगा, हमें सैन्य की ज़रूरत पड़ेगी, सैनिकों की ज़रूरत पड़ेगी। जब उन्होंने इस महाराष्ट्र के अंदर ये जो क्षेत्र है पुणे के पास का, बम्बई के पास का, यहाँ का जब उन्होंने अवलोकन किया, समाज रचना को जब उन्होंने देखा, तो उन्हें समझ में आया कि काफ़ी सारे लोग हैं जो गाँव के बाहर रहते हैं, जिनके कमर में झाड़ू है, गले में मटका है, वो चल नहीं सकते, उन्हें खाने पीने की सुधनी, पानी तक नहीं पी सकते। उन्होंने अंग्रेजों ने ऐसे समाज से संपर्क किया
उन्होंने कहा कि हम आपको आपका मान सम्मान लौटाएंगे, बशर्ते आपको पेशवाई को खत्म करना होगा, हमारे साथ मिलकर पेशवाओं के खिलाफ लड़ना होगा। साथियों, इस देश के मांग महाचमारों के पास वो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको अगर अंग्रेजों का शासन, मतलब हमारा शासन अगर आप स्थापित करते हैं तो हम आपको मान सम्मान देंगे। इस देश का शेड्यूल कास्ट, इस देश का अनुसूचित जाति का समाज जिसका मान सम्मान मरा हुआ है, फिर भी वो कहते हैं कि पेशवा हमारे राजा हैं, हम आपके साथ मिलकर पेशवाओं के खिलाफ लड़ नहीं सकते, हम हमारे राजा से बात करेंगे और वो हमें अपना हक अधिकार देंगे। जब अनुसूचित जाति के लोग पेशवाओं के पास जाते हैं और उन्हें अपना हक अधिकार की बात करते हैं, बताते हैं कि अंग्रेजों ने हमें ऑफर दिया है, क्या करें, पेशवा कहते हैं कि इस देश की व्यवस्था धर्मशास्त्र ये कहती है कि इस देश के SC ST को, मतलब शूद्र अति शूद्र को सुई के नोक बराबर भी अधिकार नहीं दे सकते और इसीलिए हम आपको अधिकार नहीं देंगे। हमारे पुरानों शास्त्रों में आपको कोई अधिकार नहीं था, हम भी पेशवाई में आपको अधिकार नहीं देंगे। ऐसे में जब शूद्र अति शूद्रों का अपमान किया जाता है, उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनके माँ बहनों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, तब जाकर ये अनुसूचित जाति और ये शूद्र, मतलब कि OBC, ये अंग्रेजों के साथ बात करते हैं। बात होती है एक शर्त पर, शर्त होती है स्वाभिमान की, शर्त होती है मान सम्मान की, शर्त होती है शिक्षा की, हक अधिकार की। वो वादा करते हैं अंग्रेज वादा करते हैं कि अगर हम यहाँ राजा बन जाते हैं, हमारा शासन स्थापित हो जाता है, तो हम आपको नौकरियाँ देंगे, हम आपको शिक्षा देंगे, हम आपको हक अधिकार देंगे, हम आपको चलने फिरने का, घूमने का, पानी पीने का अधिकार देंगे। और इस बात को लेकर लड़ाई होती है। साथियों, मीडिया हमें बताता है, ये मनुवादी मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया हमें बताता है कि इस देश ने अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई लड़ी, लेकिन ये सरासर गलत है। जब ये लोग, अनुसूचित जाति के लोग, ये दलित समाज के लोग जब पेशवा राजा बाजीराव के पास जाते हैं और अपने मान सम्मान की और हक अधिकार की बात करते हैं, तो वो तैयार नहीं होता। लेकिन अंग्रेज जो हमारे देश का नहीं है, हमारी जाति का नहीं है, हमारे धर्म का नहीं है, लेकिन वो इस बात को लेकर तैयार होता है कि आप इंसान हैं, हम आपको आपके हक अधिकार दिलवा सकते हैं। इतनी बड़ी सोच अंग्रेज रखते हैं, लेकिन इस देश के अंदर रहने वाले लोग सिर्फ जाति और वर्ण के कारण इस सोच को डेवलप नहीं कर सकते, इस सोच को मान्यता नहीं दे सकते। साथियों, जब यह अनुसूचित जाति और OBC समाज के लोग एकत्रित आते हैं और अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ते हैं, तो 28,000 पेशवाओं का खत्म कर देते हैं। 28,000 पेशवाओं का, सिर्फ 500 लोग मिलकर, ये SC ST और OBC के 500 लोग मिलकर उन्हें मार डालते हैं। और इसके बाद फिर आता है अंग्रेजों का शासन। 1818 1 जनवरी को पेशवा ख़त्म होते हैं, पेशवाओं का नाश हो जाता है, पेशवाओं का राजपाट समाप्त हो जाता है और 1818 के बाद महाराष्ट्र के इस भूमि पर, पूना मुंबई के पास, पेशवाओं का राजपाट खत्म होकर अंग्रेजों का शासन जब लागू होता है, तो उन्होंने इस देश के वही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC समाज के लोगों को हक अधिकार दिया, जिन्होंने शिवशाही को स्थापित किया था, जिन्होंने शिवाजी महाराज के राज को स्थापित किया था, जिन्होंने संभाजी महाराज को स्थापित किया था। आपको बता दें, पेशवाई के कारण ही छत्रपति शिवाजी महाराज पर कत्ल किया गया, पेशवाई के कारण ही, मतलब इसी जातिवादी मानसिकता के कारण छत्रपति संभाजी महाराज की कत्ल हुआ है, उनका खून हुआ है। और यही इसी मेंटलिटी के कारण, इसी जातिवादी सोच के कारण इस देश के अंदर SC ST OBC ये गुलामों की तरह जीवन यापन करते रहे। अगर 1818 में पेशवाई खत्म नहीं होती तो राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले, जो कि OBC समाज के, उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिलता। अगर महात्मा ज्योतिराव फुले को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिलता, इस देश के तमाम दलित, शोषित, वंचित, इन्हें भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिलता, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिलता। ये तमाम अगर चीज़ें हो पाई है तो उन 500 शूरवीरों के कारण जिन्होंने पेशवाई को ख़त्म किया। और इसीलिए यह जो 1 जनवरी का जो दिन है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन बाबा साहब भी स्वयं भीमा कोरेगांव जाते और उन्हें अभिवादन करते थे। वे इसीलिए अभिवादन करते थे कि अगर 1818 को इन 500 लोगों ने पेशवाई को, इस देश की वर्णवादी मानसिकता को जकड़े रखने
करने वाले इस व्यवस्था को अगर खत्म करने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी होती तो शायद महात्मा ज्योतिराव फुले ना होते। महात्मा ज्योतिराव फुले ना होते तो इस देश के अंदर कोई शिक्षा का आंदोलन नहीं चलता, और शिक्षा का आंदोलन नहीं चलता तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कभी भी पढ़ नहीं पाते। अगर बाबा साहब पढ़ लिख नहीं सकते तो साथियों इस देश का संविधान ये समतावादी और न्यायप्रिय संविधान बन नहीं पाता। और साथियों इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह 1 जनवरी का भीमा कोरेगांव का दिन। इसी के कारण हमें वास्तविक आज़ादी मिली है, इसी के कारण हम स्वतंत्र हुए। इस देश का SC ST OBC और तमाम महिला जाति आज ही के दिन मतलब 1 जनवरी 1818 को ही आज़ाद हुई है, और यह आज़ादी का पर्व हम भी मनाने जा रहे हैं भीमा कोरेगांव। देखते रहिए सिर्फ द थिंग, एक सोच पर। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना